आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आगरा जिले के थाना पिनाहट में हुई दंपति की हत्या का आगरा पुलिस ने खुलासा कर दिया। 3 जुलाई को आगरा के थाना पिनाहट में हत्या की घटना हुई थी। बुजुर्ग दंपति की हुई थी दर्दनाक हत्या। हत्या के बाद लूट को अंजाम दिया गया था। दीपावली के लिए रची गई थी हत्या। रात को 12 बजे घर में किया प्रवेश, मुंह बंद कर कपड़े से गला दबाकर की हत्या। चिल्लाने पर हथौड़ी से किया वार। सदर बाजार में हुई चांदी की लूट में मंगला का हाथ था और दंपति की हत्या भी मंगला शामिल रहा। पुलिस ने 4 बदमाश किए गिरफ्तार। घटना का मास्टरमाइंड भोलू और विपिन बताए गए हैं। आगरा पुलिस ने बदमाशों से सोने के आभूषण और 97,000 रुपए बरामद किए हैं। घटना के बाद आभूषणों का रुपए का बंटवारा भी किया गया था। पिनाहट के मार में हुई थी 3 जुलाई को वारदात। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। गिरफ्तार हुए कितने फरार हैं और क्या बरामद की इनके पास हुई है और किस तरीके से इन्होंने पूरी वारदात की प्लानिंग रची, क्या पूरी जानकारी? 3 जुलाई को सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि पिनाहट कस्बे में 2 लोगों का मर्डर हुआ है और साथ में कुछ सामान भी गायब है। वहाँ पे फॉरेंसिक यूनिट, साथ ही पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, डॉग स्क्वाड, सारे लोग गए और आसपास पूछताछ शुरू हुई। इसमें तत्काल 394 IPC का वाद पंजीकृत किया गया था। जब पुलिस ने इसमें जानकारी करना शुरू किया तो कुछ CCTV फुटेज साथ में हाथ में लगे और उनके माध्यम से पहचान कराई गई तो एक शेरा नाम के व्यक्ति की पहचान हुई। जब उसको पुलिस ने पकड़ा, उससे विस्तृत पूछताछ हुई तो उसने कई लोगों के और नाम बताए जो फुटेज में ऑलरेडी थे। उसमें से गोलू था, विपिन था, मंगला और अन्य लोग थे। और ये प्लानिंग पिछली दिवाली के लिए की गई थी, जिसमें पास पड़ोसी का गली का एक व्यक्ति जिसने रेकी किया था और किन्हीं कारणों से उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका था। तो पुरानी घटना के 2 लोग, साथ में नए और 3 लोग शामिल हुए इसमें और रात में पहली बार गए तो उसको ये लेकर के चले गए और बंटवारा कर दिया। इसमें से इनके पास से अभी तक 96,000 रुपीस बरामद हुए हैं और साथ ही ज्वेलरी के आइटम्स जो है वहाँ से ले गए थे वो बरामद हुए हैं। ये ज़्यादा बेच नहीं पाए थे। एक आरोपी मंगला फरार है, उसके लिए दबिश दी जा रही है और शीघ्र ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो बहुत पहले से बना रहे थे ये लोग, दिवाली से बता रहे हैं, प्लान बना रहे थे, तो क्या इतना लंबा टाइम कैसे हो गया एग्जीक्यूट करने में? नहीं, इसको एग्जीक्यूट किया था जो दिवाली के समय जो प्लान बना था, इसमें ये सारे 5 लोग नहीं थे। इस घटना के केवल 2 लोग थे जो अभी एग्जीक्यूट हुआ है। ये 2 लोग प्लस अन्य लोग थे जो दिवाली के समय घटना बनाई थी, वो लोग इसमें शामिल नहीं थे। इनका प्रोफाइल सर क्या, जो पकड़े गए लोग हैं? और प्रोफाइल ये अभी कम उम्र के सभी हैं और ज़्यादातर कोई काम नहीं करते हैं, घूमते रहते हैं। इसमें से एक व्यक्ति का, एक लड़के का गर्लफ्रेंड है जिसको भी इन्होंने पैसे ऐसे देने की बात करी थी अकाउंट में ट्रांसफर करने की, तो इधर उधर खर्च करने के लिए किया था। पेशेवर अभी तक ऐसा कोई। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।